नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। धार पीथमपुर नगर पालिका के टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में घमासान मच चुका है। रायशुमारी के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव एवं धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा के बीच हुई तीखी नोकझोंक। धार पीथमपुर नगर पालिकाओं में पार्षदों के टिकट को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जिला भाजपा कार्यालय में महिलाओं ने भी जमकर नारेबाजी की। जैसे जैसे नगर पालिका चुनाव में वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस भाजपा में गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है। दोनों ही दलों ने अब तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं की है। नगर पालिका चुनाव में टिकट को लेकर इस बार सबसे ज्यादा विवाद भाजपा में देखने को मिल रहा है, जहां राजीव यादव और नीना वर्मा के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। जिला भाजपा कार्यालय में आज विधायक नीना वर्मा समर्थक महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि जिलाध्यक्ष ने टिकट बंटवारे में पक्षपात किया है, मापदंडों का ध्यान नहीं रखा है, सामान्य वाली सीटों पर आरक्षित वर्गों को टिकट देकर सामान्य वर्ग की उपेक्षा की है। हालांकि अभी भाजपा ने अधिकृत उम्मीदवारों की कोई घोषणा नहीं की है। भाजपा महिला नेत्री की माने तो पार्टी में अब चाल चरित्र चेहरे का स्वरूप भी बदल गया है, जहां शराब पीकर महिलाओं के बीच बदतमीजी किया जाना इस बात को काफी हद तक सही ठहराता है। अब देखना होगा कि संस्कारित व संगठित पार्टी में मचा घमासान कैसे शांत होगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। तमाम महिलाओं ने जो हंगामा किया, क्या वजह थी, जिसमें आप भी कहना हंगामा नहीं, बातचीत के लिए आई हैं महिलाएं। हंगामा तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हाँ, हमको कुछ सूत्रों से पता चला था कि हमारी विधायक नीना वर्मा जी का कल कोर कमेटी के अंदर उनका अपमान करा, तो एक तो यह पता चला था हमको कि तो हम ये सहन नहीं करेंगे कि हमारी विधायक का, मतलब नारी शक्ति का कोई, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर अगर इस प्रकार का किसने किया था और क्या था मामला, ये तो पता नहीं चला, लेकिन पार्टी के ही कुछ पदाधिकारियों ने उनका मतलब अपमान किया है। वरिष्ठ पदाधिकारी है यहाँ पर, उनने इस प्रकार का अपमान किया है, ये हमें सूत्रों से पता चला। दूसरा ये पता चला कि महिला मोर्चे को टिकट न देते हुए और अन्य महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, और जहाँ पर सामान्य की सीट है, जैसे कि मैं 10 नंबर वार्ड में रहती हूँ, 10 नंबर वार्ड सामान्य आरक्षित सीट है, उस पर भी सामान्य को टिकट न देते हुए अन्य को टिकट दी जा रही है। तो एक लड़ाई में अपने वार्ड के लिए भी लड़ने के लिए आई हूँ कि मैं वहाँ पर तो कौन कर रहा है इस तरह, पूरी कोर कमेटी में किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदारी संगठन जो भारतीय संगठन रहता है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी वो नहीं रहता। संगठन का मतलब रहता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमें सिखाया जाता है कि संगठन ही पदाधिकारी रहते हैं, तो संगठन का ये दायित्व बनता है कि वो हर चीज़ को देखे। एक उन्होंने वार्डों के अंदर एक रायशुमारी भेजी थी, रायशुमारी में भी किसी पारदर्शिता के कारण मतलब नहीं करी उन्होंने, हर वार्डों में आपने देखा होगा, आपके माध्यम से भी मुझे पता चला कि हर वार्डों में हंगामा हुआ, किसी वरिष्ठ से किसी से भी इस प्रकार की जानकारी नहीं ली कि ये व्यक्ति कौन है, क्या है, चुनाव जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है, अगर चुनाव जीत सकता तो उसको हम टिकट दें, मतलब अपने ही बंदों से वहाँ पर रायशुमारी करवा ली और लिफाफे बंद करवाए। टिकट घोषित हो गए और उसमें जो आप बता रहे हैं ये आरोपों के बावजूद अगर टिकट घोषित हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम निर्दलीय फार्म भरवाएंगे और वो सामान्य जो व्यक्ति रहेगा या ओबीसी का जो व्यक्ति जहाँ से है, अगर ओबीसी के सामने अगर सामान्य भरता है तो वहाँ पर हम उसका विरोध करेंगे, और जहाँ सामान्य की सीट है और वहाँ अगर ओबीसी कोई भरता है तो हम उसका विरोध करेंगे। हर सीट पे होगा ये, हर सीट पे महिला अपना फार्म भरेगी और वहाँ पर महिला मोर्चा इस प्रकार का काम करेगी। मैंने की पार्टी के अंदर, क्योंकि मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हूँ 15-20 साल से, मैं भी पार्टी के अंदर हूँ, अभी तक जिसको भी निष्कासित किया गया वो वापस पार्टी के अंदर आ जाता है और आए हैं, तो इसलिए पार्टी किसी को निष्कासित नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पार्टी में काम करते हैं तो उनको अधिकार है। जमीनी लेवल पे जो कार्यकर्ता रायशुमारी में, वहाँ पर हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई थी, नागचंद्रेश्वर 11 नंबर वार्ड से रायशुमारी में सारे शराब पी के आए हुए थे और महिलाओं को घेर लिया वहाँ, शराब पी के रायशुमारी में सारे जो आए हुए थे लोग वो शराब पी के आए, बाहर से बुलाए लड़के जो दारू पी के आए हुए थे, मतलब वहाँ के स्थानीय नहीं थे, दूसरे वार्डो के आए हुए थे बाहर के। भाजपा कार्यालय में अभी जो हंगामा हुआ रायशुमारी रायशुमारी वाले जो वार्ड वाइज हुई है,
11 नंबर वार्ड नाग चंद्रेश्वर में हुई थी, और वहाँ पर हम महिलाएं हम लोग किस प्रकार हम आए निकल कर, प्रज्ञा ठाकुर है, मैं हूँ, हम लोग बहुत मुश्किल से निकल के आए, और यहाँ पर आकर हम हमारे वरिष्ठों को जो संगठन में है उनको हम आके हमारी बात बताने आए तो यहाँ से भी भगा दिया गया, बोले आप यहाँ क्यों आए, आप जाओ यहाँ से, क्या काम है आपका यहाँ पे। मतलब आपकी बात महिलाओं की बात नहीं सुनी? नहीं सुनी। कितनी महिलाएं ऐसी दावेदार हैं जो आवेदन कर रही हैं? 11 नंबर से तो हमारे पूरे अगर शहर की बात, पूरे अगर 10 से 12 जी। और हमेशा यही होता है कि अगर जो सक्रिय महिलाएं हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, नई नई महिलाओं को ले आते हैं और उनको टिकट देते हैं, और फिर हम सक्रिय महिलाओं का क्या है। मेरा नाम सोनू ठाकुर है, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष।